सभी को नमस्कार। चर्चा का विषय है पाठ संख्या 5, रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ संख्या 5, कंठ कने कंठकम के शेष अभ्यास पाठ के शेष भाग पर, अभ्यास कार्य के शेष भाग पर हम चर्चा करेंगे। हमने अब तक किया है, हमने किया है प्रश्न संख्या 3 तक अभ्यास कार्य किया है। आज चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 4 से, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। तो व्याध है व्याघ्रम जालात बहि निरसारियत। तो यहाँ पर जालात, जाल यहाँ इस की जगह प्रश्न निर्माण करना होता है। बाकी सारा सेंटेंस ऐसे का ऐसा रहेगा, सिर्फ जो शब्द अंडरलाइन है उसकी जगह आप प्रश्न निर्माण करके रख दीजिए, बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, व्याध है व्याघ्रम कस्मात किस से बहि निरसारियत। कस्मात आ जाएगा, पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में क कौ के कम कौ कान के इनका भयम कई कस्मी का भयम के भय, कस्मात आ जाएगा पंचमी विभक्ति एक उन्च, कस्मात। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्षम, वृक्ष क्या है, द्वितीय विभक्ति एकवचन, वृक्ष को पूछता है, वृक्ष के पास जाकर पूछता है, वृक्ष को पूछता है। तो द्वितीय विभक्ति वृक्षम वृक्ष वृक्षान, तो द्वितीय में क्या आएगा, कम क कौ के कम कौ कान कम। व्याघ्रह लोम सिकाई निखिलाम कथाम निवेदियत। व्याघ्रह बाघ लोमड़ी के लिए सारी कहानी बता देता है। तो किसके लिए, कस्मई या कस्सई, पुलिंग है तो कस्मई, स्त्रीलिंग है कस्सई। तो ये लोमसिका लोमड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है तो कस्सई आ जाएगा। व्याघ्रह कस्सई निखिलाम कथाम निवेदियत। मानवा वृक्षणाम छाया मृबंती, मनुष्य वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो कहाँ विश्राम करते हैं, वृक्षणाम। तो लिखेंगे मानवा किसाम छायाम, किसकी छायाम, छाया में विश्राम करते हैं, किसकी छाया में विश्राम करते हैं। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका प्रश्न निर्माण रहेगा। व्याघ्रह नद्धा जलेन व्याधस्य पिपासा सम्यत। और व्याघ्रह नद्धा जलेन, व्याघ्रह क्या होता है, शिकारी। व्याधे आएगा, व्याधे, व्याधे शिकारी नदी के जल से व्याघ्रस्य पिपासा सम्यत, बाघ की प्यास शांत करता है। तो नद्धा है, नद्धा में प्रश्न निर्माण करेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, कस्या रहेगा, कस्या किस से। कस्या यहाँ पर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, पदानी चित्वा कथाम पुरियत। पदों से ब्रैकेट में शब्द दिए मिलेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक में, उन पदों से क्या करना है, इस पूरी कहानी में जो डैश हैं उन डैश को, उन रिक्त स्थान को उन कोष्टक में दिए गए शब्दों से पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें इस कहानी की हिंदी पता होनी चाहिए, फिर उन शब्दों की हिंदी पता होनी चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, तब जाकर हम इसको फिल कर पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। एकस्मिन एक वने वन में एक बद्ध व्याघ्रह, एक वृद्ध व्याघ्रह आसित। एक वृद्ध मीन्स बूढ़ा, ये पहला डैश है आपका, वृद्ध है, वृद्ध है पहले डैश में आएगा। वृद्ध व्याघ्रह आसित, एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा वह एक बार व्याधेन बाघ के द्वारा विस्तारित फैलाए गए जाले जाल में बद्ध फंस जाता है, फंस जाता है। स बहु प्रयासम, वह बहुत प्रयास कृतवान करता है, कृतवान सेकंड डैश है आपका, कृतवान करता है। किंतु लेकिन जालात मुक्त न बहुत, लेकिन जाल से नहीं निकल पाता है। अकस्मात अचानक ही तत्र वहाँ पर एक एक मुष्क चूहा समागच्छत आ जाता है। बद्धम व्याघ्रम बधे हुए या फंसे हुए बाघ को दृष्टवा, ये थर्ड है आपका, ये डैश आपका थर्ड है, देखकर, दृश्य धातु है, कतुआ पड़ता है देखकर। स तम एवदत, वह उसको कहता है, अहो अरे भवान जाले बद्ध, आप जाल में फंस गए, अहम तवाम, मैं तुम्हें मोची तुम इच्छामी, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, छुड़ाना चाहता हूँ। ये आपका नेक्स्ट डैश है, अगला डैश है, मोची तुम छुड़ाना चाहता हूँ। तत् श्रुतवा, तच तत् तच को तत् है ये, तत् श्रुतवा, तत् प्लस श्रुतवा, ये इस प्रकार से है, तत्
श्रुत्वा, लेकिन यहाँ संधि होने पर यह इस प्रकार से रूप बनता तत् श्रुत्वा। यह सुनकर व्याघ्र बाघ सहटासम हंसते हुए, ये नेक्स्ट डैश है आपका, हंसते हुए अवदत्त कहता है, अरे अरे तवम तुम अक्षुद्र जीव, छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे, यदि तवम माम मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ा देते हो, मुक्त करवा देते हो, तरही, ये नेक्स्ट डैश है आपका, तरही तो अहम मैं तवाम तुम्हें न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। मुष्क चूहा सवकई लघु दंतई, अपने छोटे छोटे दांतों से, तज जालम, तत् जालम है ये, जय के कारण यह तय को जय हो जाता है, तज जालम उस जाल को, कर्तनम कृत्वा काट कर, तम व्याघ्रम उस बाघ को बही कृतवान बाहर निकाल देता है। यह इस प्रकार से आपका ये कथा जो दी गई है प्रश्न संख्या 5 में और डैश दिए गए हैं आपके ब्रैकेट में, उनसे इन कथा में दिए गए डैशों को भर लेना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही क्या करें, उत्तर दें। जैसा निर्देश दिया गया, जैसा पूछा गया उसके अनुसार ही क्या दें, आंसर दें, उत्तर दें। तो पहला कै भाग में क्या है, क्या पूछा गया है कै भाग में, देखते हैं कि सै लोम सिखायई सर्वाम कथाम निवेदित, वह लोम सिखा के लोमड़ी के लिए सारी कहानी बता देता है। अस्मिन वाक्य विशेषणम, विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, विशेषण पद बताना है। तो इस वाक्य में विशेषण पद, विशेषण होता क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनकी जगह जो प्रयोग होते हैं विशेष्य होते हैं, और जो उनकी विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं, जो विशेष्य की विशेषण विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं। तो सर्वाम कथाम, कथा क्या है यहाँ पर, विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या बताई गई है, सर्वाम सारी, आधी है, सारी है, अनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट है, तो जिस प्रकार से भी वो रखी गई है कि उसकी मात्रा किस प्रकार की है, कम्प्लीट है, तो ये विशेषता है। तो सर्वाम क्या है यहाँ पर, ये इसका आंसर रहेगा। अहम तवत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, इस वाक्य में क्या है, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में अहम जो सर्वनाम पद है, अहम जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो देखते हैं। अहम मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, वाक्य किसने कहा था, ये कहा था शिकारी ने, शेर को कहा था। तो व्याधाय या चंचलाय सर्वम, चतुर्थी विभक्ति में पूछा गया किसके लिए प्रयोग हुआ, कस्मै किसके लिए, चतुर्थी में ही आंसर देना होगा, व्याधाय चतुर्थी है, चंचलाय चतुर्थी, सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है, अस्मिन वाक्य कर्तरी पदम किम, कर्तरी पद क्या है, यानी कि कर्ता पद क्या है, तो यहाँ पर सर्वम सब कुछ। सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है, वाक्यात एक अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद, अव्यय क्या होता है, जो किसी भी लिंग के कारण, किसी विभक्ति के कारण, किसी वचन के कारण अपने स्वरूप को नहीं त्यागते हैं, वो नहीं बदलते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर एक अव्यय है सहसा, सहसा का वार्ता माम अपि विज्ञापिय, क्या बात है मुझे भी बताइए, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद क्या है भाई, मुझे भी बताओ, बताना जानना क्या है यहाँ पर, क्या है वो क्रिया है, माम अपि विज्ञापिय, वी उपसर्ग पूर्ण होने के कारण ज्ञा धातु जानने अर्थ में होती है, लेकिन उसका अर्थ चेंज होता है, बताओ। तो यहाँ पर विज्ञापिय क्या रहेगा, विज्ञापिय यहाँ पर ये क्रियापद रहेगा, पद परिचय विज्ञापिय का, वी उपसर्ग पूर्वक है, ज्ञा धातु है, लोट लकार है, और मध्यम पुरुष एक वचन है। ये आपका प्रश्न संख्या 6 हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यथा में दिया गया है, जैसे मातृ शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति, मातृ शब्द रूप माता, मातृ माता, तो उसी प्रकार पितरी का चलता है, उसी प्रकार माता का शब्द रूप चलता है। तो मातृ शब्द रूप प्रथमा विभक्ति, माता मातृ मातृ, पिता पितृ पितृ, माता मातृ मातृ, पिता पितृ पितृ, पितरम पितृ पितरम, पिता पितृ विवाह पितृ भी, वैसे ही माता का चलेगा। तो माता मातृ मातृ
और यहाँ डैश दिए गए हैं, ये तीनों डैश हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। भरना किसका है? सवसरी का, जो समान चलेंगे। ये दोनों ही रिकारांत हैं। रिकारांत मीन्स री है अंत में जिसके ऐसे शब्द, ऐसे शब्द अच जिन के अंत में होता है वो उसी प्रकार से बोल दिए जाते हैं जो अंत में अच होता है। जैसे ए अंत में है तो एकारांत हो जाएंगे, आ है तो आकारांत हो जाएंगे, री है तो रिकारांत, ए है तो एकारांत, उ है तो उकारांत। तो यहाँ इनके अंत में क्या है? री। सवसरी, सवसरी को माता मातृ के शब्द के अनुसार भरेंगे, सवसा सवसारऊ सवसारा हो जाएगा। जैसे माता है वह सवसा, मातरऊ सवसारऊ, मातृ सवसार है। फिर है मातृ शब्द तृतीय विभक्ति भरेंगे, दिया हुआ है ये तो, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, जैसे पित्रा पितृभ्याम पितृभी भी होता है वैसे ही मात्रा मातृभ्याम मातृभी भी होता है। सवसरी तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? सवसरा सवसरीभ्याम सवसरी भय भी। फिर सवसरी का दे दिया इन्होंने, सवसरी सवस्त्रोस सवसरी सु। फिर हमने करना क्या है? मातृ शब्द रूप भरना है, मातृ मात्रो मातृसु हो जाएगा, मातृ मात्रो मातृसु हो जाएगा। फिर है सवसरी का इन्होंने षष्ठी विभक्ति दी है सवसरी की, तो षष्ठी विभक्ति में क्या है? सवसुहु सवस्त्र हो सवस्त्री नाम, सवसुहु सवस्त्र हो सवस्त्री नाम। तो उसी प्रकार हम माता शब्द रूप से भरेंगे षष्ठी विभक्ति, मातुहु मात्रो मातृणाम। यहाँ वैसे तो ये इस प्रकार से री आनी चाहिए, मातृणाम दीर्घ रिकांत रिकारांत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये ए पार्ट है और ये आ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट 7 का ही धातु प्रत्यय लिखा, धातु और प्रत्यय लिखने हैं, अलग अलग करने हैं। जैसे दृष्टुम में है, ये पद दिया हुआ है दृष्टुम, इस पद में हमने बताना है कि धातु क्या है। दृष्टुम में दृश्य धातु है देखने अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय है देखना चाहिए बन जाता है, तुमुन प्रत्यय चाहिए अर्थ में, योग्य अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। दृष्टुम दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट क्या है? करणीयम करी धातु और अनियर प्रत्यय, करी धातु प्लस अनियर प्रत्यय करणीयम बन जाता है, चाहता है। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय, पा पीने अर्थ में, करी करने अर्थ में, पा पीने अर्थ में तो और तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाने अर्थ में, खाद धातु है खाने अर्थ में और तुमुन प्रत्यय, खाद प्लस तुमुन खादितुम। फिर क्री धातु कतुआ प्रत्यय, क्री धातु क्री धातु होती है करने अर्थ में और कतुआ प्रत्यय करके अर्थ में, भूतकाल की पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कतुआ प्रत्यय का, पूर्वकालिक क्रिया को जो पहले हो चुकी है। तो क्री धातु कतुआ प्रत्यय कृतवा बन जाएगा करके अर्थ में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पाठ संख्या 5 का अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ संख्या 6 पर, रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ संख्या 6 पर। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।